मोराबादी स्थित गुरुजी के आवास में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल हुए। लगभग दो घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत के बाद सरकार को कई सलाह दी। निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसे सख्ती से लागू करने की मांग की गई। मॉब लिंचिंग से जुड़ी विधेयक को फिर से संशोधित कर राज्यपाल को भेजने की भी सलाह दी गई है। स्थानीय नीति जो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई, विधानसभा ने ध्वनि मत से उसको पारित किया और राज्यपाल महोदय के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया, लेकिन राज्यपाल महोदय के यहाँ से बिना अनुमोदन के उसको सरकार को लौटा दिया गया। हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से हम लोग यह निवेदन करेंगे कि जन भावना को देखते हुए अविलंब इस स्थानीय नीति पर निर्णय लिया जाए। बैठक में नियोजन नीति को लेकर के भी मंथन और विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही साथ ये भी सलाह दी गई कि जमीन से जुड़ी विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। जमीन से जुड़े मामले के निष्पादन के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने की भी सलाह दी गई है। भाजपा के लोग ऐसे मामलों को ले जाकर के राजभवन में लटकाने का काम करते, कहीं ना कहीं इस तरह के करके जो रोजगार की प्रक्रिया देने की प्रक्रिया शुरू की गई है उसको बाधित करने का काम करते हैं। हम जन भावनाओं के अनुरूप, जन भावना जो यहाँ की है नियोजन नीति के मामले में, उस नीति पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अड़ंगा लगाया जाता है और इस तरह के राजभवन का कभी सहारा लिया जाता है, कभी माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के अपील की जाती है। हम समझते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हुए, राज्य के लोगों के मूल भावना को देखते हुए सकारात्मक तरीके से पहल करनी चाहिए ताकि राज्य के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। गौरतलब है कि गुरुजी की अध्यक्षता में पहली बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सभी लोग शामिल हुए। अब यह तय किया गया है कि प्रत्येक महीने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने स्थानीय नीति को लेकर त्वरित निर्णय लेने की सलाह दी है, क्योंकि स्थानीय नीति जन भावनाओं से जुड़ी हुई है। देखने वाली बात होगी कि इसका कितना लाभ मिल पाता है। समाचार प्लस के लिए रांची से अंजनी कुमार की रिपोर्ट।